हेलो गाइस, आप सभी का बालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है नवरात्रे के अवसर पर थाली तैयार करना। तो आइए बनाते हैं नवरात्रे की थाली। साबूदाने की खीर बनाने के लिए ये हमने साबूदाना लिया है, इसको हमने भिगो दिया था। ये थोड़ी सी किशमिश ली है और थोड़े से बादाम को हमने दरदरा कूट लिया है। मैंने दूध को बॉइल होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके अंदर ये साबूदाना डाल दूंगी। जब तक ये हमारे साबूदाने की खीर पककर तैयार होती है, तब तक हम आलू की सब्जी बना लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा। मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाले हैं। ये मैंने 2 बड़े टमाटर को और 1 अदरक के टुकड़े को मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया है। और ये मैंने छोटे साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। और अब मैं इसमें ये जीरा डाल रही हूँ थोड़ा सा, और साथ ही मैं इसमें ये कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। और ये अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 छोटी चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लेना। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी। और ये हमारा मसाला भूनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ये उबले हुए आलू डाल दूंगी। मैं इसमें पानी डाल दिया है मैंने 1 कटोरी के आसपास इसमें। और अब मैं इसे ढक के 5 से 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। और इधर हमारी खीर भी बनने वाली है। ये साबूदाने की खीर बड़ी अच्छे से बनके जल्दी से तैयार हो जाती है। इसमें ये बादाम डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें ये किशमिश भी डाल देती हूँ। ये मैंने फाफड़े काटा लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। मैं आटा गूंथ कर तैयार कर लेती हूँ जब तक हमारी खीर और सब्जी बन के तैयार होती है। मैं 1 छोटी चम्मच काली मिर्ची डाल रही हूँ। साथ ही ये मैंने 1 उबला हुआ आलू लिया है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये भी इसी के अंदर डाल देती हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आटा गूंथ के मैं तैयार कर लेती हूँ। और ये हमारा आटा गूंथकर भी तैयार हो चुका और ये हमारी खीर भी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें ये छोटी सी कटोरी, 1/2 कटोरी में इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार मीठा डाल सकते हो। और चीनी मेल्ट होने देती हूँ। अब मैं आलू की सब्जी भी चेक कर लेती हूँ इतना। और इधर हमारी आलू की सब्जी भी बनकर तैयार हो चुकी है। कितने अच्छे से साबुत आलू बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं, ग्रेवी वाले आलू। और इसे भी मैं ढक के 1 साइड में रख दूंगी। और ये हमारी खीर अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। हमारी खीर कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, इसे भी मैं 1 साइड में रख दूंगी। ये मैंने सॉस पैन लिया है। अब मैं सामक के चावल बनाकर तैयार करूंगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इधर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। और ये कड़ी पत्ता बचे हुए हैं, ये डाल देती हूँ इसमें। और साथ ही ये मैंने समक के चावल लिए हैं, ये 1/2 कटोरी ली थी और इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये डाल देती हूँ और अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी डाल दूंगी, 1/2 कटोरी और। मैंने यहाँ 1.5 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच काली मिर्ची डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लेना। मैंने यहाँ 1.5 चम्मच का प्रयोग किया है, ये छोटे वाले का। और इसे भी मैं ढक दूंगी
जब तक ये हमारे चावल बनते हैं तब तक मैं पूरियां बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ सारी रिफाइंड ऑयल का ही प्रयोग किया है, आप चाहे घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है और ये आटा लिया है। आप चाहे बेलन की मदद से भी बना सकते हैं पूरियां, मैं हाथ की मदद से ही बनाऊंगी। और ये हमारी पूरी बन गई है और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। ये हमारी पूरी अच्छे से सिककर तैयार हो चुकी है। और हमारी ये भी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। और इधर हमारे सम्मक के चावल भी चेक कर लेते हैं हम। ये चावल भी हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लूंगी। और ये हमने व्रत की थाली को तैयार कर दिया है। इधर हमने खीरे को सर्व किया है। ये हमारी साबूदाने की खीर बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमारे साबुत आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमने फाफड़े के आटे की पूरियां बनाई हैं और ये सामक के चावल। ये नवरात्रि के अवसर पर अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।